अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो फॉर इफ्तार एट माई प्लेस। तो मैंने सोचा कि मैं अपना आउटफिट जो है वो रेडी कर देती हूँ। तो ये आउटफिट जो है वो बाय नूरा का है और यहाँ पे जो है मैंने निकाल दिया है एंड ये आयन रेडी है। मैं इसको रेडी करूँगी और आपको पता है अभी जो है सुबह हो रही है। लेट मी शो यू, अभी सुबह हुई है और मैं नमाज तस्बीह वगैरह पढ़ के अभी फारिग हुई हूँ। मुझे एक व्लॉग एडिट करना है और ऊपर से मुझे जो है ये काम करना है आज एंड सुबह जल्दी उठना है क्योंकि इफ्तारी की प्रिपरेशन करनी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जस्ट डू इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये काम तो कल भी कर सकती है, इसको क्या ज़रूरत है कि रोज़ा रखे सहरी करने के बाद ये काम कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने आप पे जो है यकीन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कल मैं देर से भी उठ सकती हूँ, जल्दी भी उठ सकती हूँ और मैनेज नहीं भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सारे काम जो है अपने होते हैं ना जो मैं वो रात को ही करके सोती हूँ और नेक्स्ट डे ताकि मुझे जो है हसल ना करना पड़े। और नेक्स्ट दिन भी मैं बहुत लेट उठी थी और ये लोग टाइम पर आ गए, तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों आ गए? उन्होंने कहा हम जल्दी नहीं आए, तुम लेट हो गई हो। और यहाँ पे हमारी इफ्तार हो चुकी है यानी कि रोज़ा खुल गया था और हम तीनों को रोज़ा था माशाल्लाह से। तो हम जो है बस यहाँ पे अपना इफ्तार कर रहे थे और इफ्तार के बाद जो है हमने नमाज़ें पढ़ी बारी बारी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने थोड़ी और चीज़ें वगैरह खाई। लाइक एक तो नमाज़ से पहले इतना नहीं खाया जाता, नमाज़ के बाद फिर भी खाया जाता है। और हम ऊपर आ गए फिर अब मेरे रूम में, उसके बाद जो है एक फ्रेंड ने जो है वो चाय पी, दूसरी फ्रेंड और मैं चाय नहीं पीते। तो फिर मैंने अपने लिए जो है कॉफ़ी बना ली थी और कॉफ़ी मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ और फेमस भी है कि बस इसकी कॉफ़ी पीने से ना एकदम सा होश आ जाता है। तो फिर बस यहाँ पे कॉफ़ी बनाई और फिर मैंने जो है इनको तैयारी पे लगा दिया क्योंकि हम जो है बाहर जा रहे थे। तो आपको तो पता है कि मैंने न्यू ड्राइविंग सीखी है, तो फिर मेरी फ्रेंड्स जो है मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। वो कहती हैं कि तुम हमें भी लेके चलो, मतलब एक एक्सपीरियंस होता है ना साथ घूमने का और साथ ड्राइव पर जाने का, तो वो जो है वो बहुत ही अलग है। वैसे तो मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी ड्राइव करती है और हम उनके साथ जाते थे, लेकिन ये यहाँ पर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो वो जो पहली दफ़ा वाली ड्राइविंग होती है ना तो उस वजह से वो बहुत एक्साइटेड होती हैं और कहती हैं कि हमें तुम्हारे साथ चलना है। एंड यहाँ पे देखें हम यहाँ पे आ गए थे उसी जगह पे जो कि मैं वहाँ हमेशा आती हूँ, व्लॉग्स में भी रखती हूँ मरहबा पे, और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना मेरी फ्रेंड्स वो कहती हैं हमें तुम्हारे साथ इस जगह पे आना है जो तुम व्लॉग रखती हो। तो यहाँ पे जनरेशन भी था जो कि मेरी कमज़ोरी है, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया। सिर्फ मैंने कहा कि हम जाके ड्रिंक वगैरह पी के आते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, और एनर्जी आने के बाद जो है हम शॉपिंग हंट करते हैं ईद वगैरह के लिए। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि जब भी मैं ईद के जल्दी कपड़े ले लेती हूँ ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं, कलेक्शन आ जाती हैं, और जब मैं वेट करती हूँ बिल्कुल एंड में लेती हूँ तब कोई अच्छा सूट या कोई अच्छी कलेक्शन किसी की भी नहीं आती। तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छी कलेक्शन आई है जनरेशन की। और यहाँ पे देखें मुझे सरप्राइज मिल गया क्योंकि इस रेस्टोरेंट का जो रास्ता है वो ग्रॉसरी स्टोर से है और मुझे यहाँ पे जो है नाजिश मिल गई थी, मेरी फ्रेंड है, और इनसे बस मैंने बातें वगैरह की और हम इनसे मिले और देन फिर जो है हम ऊपर रेस्टोरेंट पे चले गए जो कि रूफ टॉप पर इनका रेस्टोरेंट है। बहुत लाइवली है, मज़े का है, लेकिन इनकी जो खाना है या फिर ड्रिंक कह लें वो मज़े का नहीं है। उस दिन मैंने आपको बहरिया टाउन वाले व्लॉग में बताया था कि मुझे जो इन्होंने ड्रिंक दी थी ऐसे लग रहा था कि स्विमिंग पूल से ग्लास भर के दिया है। सेम एग्जैक्ट इन्होंने भी मुझे ऐसी ही ड्रिंक दी। मुझे पता नहीं मतलब मुझे नहीं पता इनको क्या बनानी नहीं आती या इनको पता नहीं है कि मोजीतो या स्लश क्या होता है, जैसे केएफसी वाले बनाते हैं, बस वो इतनी इन्वेस्टमेंट शायद नहीं कर रहे क्वालिटी में। तो बहुत बुरी क्वालिटी थी इनकी और इतने ज़्यादा मीठे थे कि ऐसा लग रहा था कि आप कोई चाशनी पी रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं दूंगी कि यहाँ पे आके आप जो है ऐसी ड्रिंक्स वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। अब एक नो, लेकिन एम्बियंस देखने में बहुत ही अच्छा था। 1 2 3 रेस्टोरेंट के नीचे ही ग्रॉसरी स्टोर है और यहाँ पे मैं आ गई थी, मुझे शैम्पू लेना था सल्फेट फ्री और एक दो और चीज़ें लेनी थी। तो सल्फेट फ्री का ये होता है कि अगर आपके बाल जो है फ्रिजी हैं, बम फटे हुए हैं, तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। तो इससे ये होता है कि आपके बाल जो है वो काफ़ी नरम हो जाते हैं, फ्रिज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लाइक ए केराटिन ट्रीटमेंट ऐसा आपके मतलब बालों पर इफ़ेक्ट आ जाता है। Thank you.
अच्छा यहाँ पे हम आ गए थे जनरेशन, जो कि मैं सारे सूट निकाल के देख रही थी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ इनकी प्राइजेस वगैरह। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। जनी शॉपिंग करें ना कोई ना सुठा होता है। वो हर साल गंद, वो हर साल गंद हुआ। चल रहा सूट आ के तो सिठो दुपट्टो आ ना कौन छोड़ तो यार वो कट भी सिठा है नहीं कट पर दुपट्टे ते सिठो मके हेड़ा कैजुअल के हिसाब से ही ये थी जनरेशन की कलेक्शन जो कि हमें बहुत ही पसंद आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो है ईद के एक नहीं दो दो सूट ऑलरेडी ले चुके हैं कि देर ना हो जाए और एंड में कुछ नहीं मिलता, और इस दफ़ा एंड में बहुत कुछ मिल रहा था। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बहुत जज्बाती होके कि मुझे जो है KFC का क्रशर मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि एक हफ़्ता लग सकता है, KFC का क्रशर जो है आपको नहीं मिल सकता। और हम जैसे ही वापस आ गए तो वापस आते ही जो है हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, फिर हमने स्पैगेटीज़ खाई इफ्तार वाली, और कल जो स्पैगेटीज़ बनी थी इतनी मज़े की बनी थी क्योंकि वो बहुत ही कम मसालों में थी और बहुत लाइट वेट थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं तहज्जुद पढ़ रही थी और साथ साथ नमाज का टाइम हो गया, लाइक रोज़ा ख़त्म होने वाला था, तो मामा ने मुझे ऊपर ही सहरी भेज दी और मैंने सहरी वगैरह कर ली। और इसी यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड होता है, तो मुझे दे इजाज़त। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।